Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आपको पता है कि फेमस कोहिनूर हीरा कभी टेनिस बॉल के जितना बड़ा और 793 कैरेट से ज्यादा वजन का था? इसे कोहिनूर का नाम किसने दिया और इस हीरे पर ऐसा शाप क्यों था जिससे कई राज्यों का विनाश हो गया? ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें जानने के लिए एपिकपीडिया के इस एपिसोड को देखते रहें। एटीन सेंचुरी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस का पता चलने से पहले तक पूरी दुनिया को केवल भारत से हीरे मिलते थे। माना जाता है कि 1083 CE में ककटिया डायनेस्टी को गोदावरी के पास आज के आंध्र प्रदेश की कोल्लूर माइन से कोहिनूर मिला था। उन्होंने हल्के नीले रंग वाले कोहिनूर को अपनी कैपिटल वारंगल के एक मंदिर में देवी भद्रकाली की लेफ्ट आंख में लगवा दिया था। इस लेजेंड के अनुसार कोहिनूर पर यह शाप था कि ये हीरा जिसके भी पास रहेगा वो दुनिया का मालिक बनेगा, लेकिन साथ ही उसे बदकिस्मती का भी सामना करना पड़ेगा। इसे केवल देवता या कोई महिला ही पहन सकती है, उन पर शाप का असर नहीं होगा। इसी शाप के कारण इस हीरे को मंदिर में दान कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी को ककटिया डायनेस्टी में कोहिनूर के होने की बात पता चली। कई बार असफल होने के बाद आखिर 1310 में अलाउद्दीन ने वारंगल को हराया और शहर को लूट लिया। अब कोहिनूर उसके पास था, लेकिन 6 साल के भीतर ही अचानक खिलजी डायनेस्टी का अंत हो गया। अलाउद्दीन के जनरल ने ही उसकी हत्या कर दी और उसके बेटों को अंधा बना दिया गया। खिलजी डायनेस्टी के पतन के बाद ये हीरा दिल्ली पर शासन करने वाली दूसरी डायनेस्टीज के पास रहा। 16 सेंचुरी की पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली के साथ साथ कोहिनूर पर भी कब्जा कर लिया। इसे पाने की खुशी में बाबर ने इसे बाबर का हीरा नाम दिया और कोहिनूर की कीमत को पूरी दुनिया के आधे दिन के खर्च के बराबर बताया। अगले 150 सालों तक कोहिनूर मुगलों के पास ही रहा। शाहजहां ने तख्ते ताउस नाम का एक खास पीकॉक सिंहासन बनवाया जिसमें कोहिनूर की सुंदरता को सही मायने में उतारा गया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया, तब कोहिनूर को उसकी प्रिजन सेल की दीवार के एक खिड़की के पास रखा गया ताकि वो उसमें से ताजमहल का रिफ्लेक्शन देख सके। मुगल डायनेस्टी के आखिरी वर्षों के दौरान वेनिस की जौहरी ने इस हीरे को इस तरह से तराशा कि उसका वजन 793 कैरेट से घटकर केवल 186 कैरेट रह गया। 1739 में पर्शिया के रूलर नादर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस समय के मुगल रूलर मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छिपाने की कोशिश की। मुगल महल के एक नौकर से इसकी जानकारी मिलने पर नादर शाह ने अपनी जीत का जश्न मनाते समय मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलने को कहा और इसी बहाने हीरा हथियाना चाहा। पगड़ियां बदलते समय मोहम्मद शाह की पगड़ी से हीरा गिर गया और उसे देखते ही नादर शाह के मुंह से फारसी का एक शब्द निकला, कोह-ई-नूर, जिसका अर्थ है माउंटेन ऑफ लाइट, और तभी से दुनिया इस हीरे को कोहिनूर कहने लगी। नादर शाह कोहिनूर को अपने साथ पर्शिया ले गया। कुछ साल बाद ही उसकी हत्या कर दी गई और हीरा नादर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया जिसने अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश की। पर जल्द ही दुर्रानी को भी गद्दी छोड़नी पड़ी। 1813 में अफगानिस्तान के राजा शाह शुजा ने अपना सिंहासन वापस पाने के लिए पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की मदद ली और इस मदद के बदले में उन्हें तोहफे के तौर पर कोहिनूर दे दिया। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोहिनूर पंजाब के अंतिम सिख राजा महाराजा दुलीप सिंह को विरासत में मिला। उस समय वो केवल 5 वर्ष के थे। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी से 10 साल की उम्र के राजा दुलीप सिंह के साथ एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और पंजाब राज्य के साथ साथ कोहिनूर को भी हथिया लिया। पर कोहिनूर की लंदन की यात्रा भी आसान नहीं रही। इंग्लैंड के रास्ते में जहाज HMS मीडिया
और उस पर सफर करते लोगों को तेज तूफान और घातक कोलेरा का सामना करना पड़ा। अंत में 30th जून 1850 को HMS मीडिया इंग्लैंड पहुंचा। संयोग से उसी दिन एक पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी ने रानी पर हमला कर दिया था। 3 जुलाई को रानी विक्टोरिया ने इस इंसिडेंट के कारण अपनी काली पड़ी आंख और माथे पर लगी चोट के निशान के साथ कोहिनूर को एक्सेप्ट किया। जब कोहिनूर ब्रिटिश राज्य में पहुंचा, उस समय उसकी लंबाई 4.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.26 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.62 सेंटीमीटर और वजन 186 कैरेट था। रानी इसे ब्रूच के रूप में पहनना चाहती थी, इसीलिए कोहिनूर का आकार बदल दिया गया था। इस बार तराशने से कोहिनूर का वजन 186 कैरेट से घटकर 105.6 कैरेट हो गया। साथ ही ये 3.6 सेंटीमीटर लंबा, 3.2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.3 सेंटीमीटर गहरा हो गया। एक विशाल हीरा अब एक छोटे पत्थर के आकार का हो गया था, जो मुट्ठी के अंदर समा सकता था। भारत की धरती से निकले सबसे बड़े हीरों में से एक हीरा दूसरे ब्रिटिश क्राउन और ज्यूल्स के साथ टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में बंद है। आज कोहिनूर भले ही विदेश में हो, पर वो अब भी भारत के गौरव को दर्शाता है। उम्मीद है कि एक दिन वो वापस उस धरती तक पहुंचेगा जहां से वो गया था।